गाने रखो मरे एक केक खोलायचा का कसा आहे बघत रे केव्हा सेलिब्रेशन ऑफ आवर ऋतुज बर्थडे और श्वेता मैम जो है वो बहुत ही अच्छे से अपनी गंदी से हैंडराइटिंग में अपना बोर्ड जो है सजा रहे हैं। केक देखेंगे फ्रेंड्स। वाव सही है भाई मस्त। और ये ऋतु की तरफ से पार्टी है सबके लिए दाबेली। तो चलिए ऋतु को तो फ्रेंड्स अभी सारे एम टी एस जो ये बेचारे बिजी हैं इसलिए वो आए नहीं हैं यहाँ पे, इसलिए हमने सिर्फ केक खोल के रखा है। मैंने वो ढक दिया है जो कि दाबेली थी। और ये रही हमारी पेंटिंग ऋतुजा के लिए। ये बहुत सारी कैंडल निकाल रही है, पता नहीं इतने कैंडल केक पे लगते हैं भी कि नहीं। ऐसा लग रहा है कि ऋतुजा एक केजी की लड़की है और उसके लिए इतने सारे कैंडल जलाए गए हैं। हाँ भाई पागलपंती भी ज़रूरी है। चलो ठीक है अभी केक इतना गंदा सा डिज़ाइन करेगी केक पे। अरे कुछ तो अच्छा कर, यूनिक इनिशिएटिव कुछ तो क्रिएटिव कर। ये बैक ये साइड वाला है भाई, इसके ऊपर है। अरे भाई तो साइड वाला ठीक है ना, तो साइड भी तो अच्छे से दिखा, साइड ही तो दिखा रही है। ये तो सुनने से रही, सुनती ही नहीं है पता नहीं क्यों। चलो ठीक है अभी कुछ कर भी नहीं सकते अगर सुनना ही नहीं है मैडम जी को तो। चलो अच्छा है तो अभी तो फ़िलहाल ये चल रहा है मैडम का पेंटिंग और हम लोग वेट कर रहे हैं सबके आने का क्योंकि अभी तक कोई नहीं आया। श्वेता तो उछल पटकन गया उछलू ठे बजरा। ओके सो हम लोग रेडी है अभी। वहाँ पे एक चेयर लगाएगी ना उसको बैठने के लिए, बिठाएंगे उसको। अरे तो ये देखिए ये ऋतुजा है और वो आ चुकी है। आज हमने मैम को भी छुट्टी से बुला लिया है सेलिब्रेशन के लिए। YouTube का व्लॉग बना रही हूँ मैं अभी। और ये आ रहा है सब एडमिन आंटी, सब अंकल्स को बुला लो। हाँ ठीक है कोई मैम, आज सच में बताइए मैम आज बर्थडे किसका है? ऋतु के बर्थडे का कैसा लगा? आए क्या सब, आ जाओ अंदर आ जाओ। मैं घेतला तुला घ्यायचा घेतला तू घे ना अजून घे दोन चार ये देखिए हमारे आंटीज अब सारे आ गए हैं। आ जाओ अंदर। अरे अभी तो कुछ दिख नहीं रहे, अभी इतने सारे नहीं छो अगर तूने केक लाया तो देख लेना मैं क्यों लाऊंगी। चल नाटक। और ये हमारे भैया लोगों की एंट्री हो चुकी है अभी। जल्दी आओ जल्दी आओ, इधर से आ जाओ कुछ कुछ। सब आ
की कैंडल आ रही है अभी। श्वेता आग लगा, मतलब वो आपका हमेशा का काम है ना। ओ वाह वाह वाह, क्या बात है। मांगो भाई कि हमारी सभा जल्दी बढ़े। रहो दे रहो दे, चलो विश मांगो, ऐसा मांगो जो अच्छे से मिल जाए। ये फोटो बना रही है, फोटो आई डोंट नो, लेकिन मैं वीडियो ले रही हूँ। वेजे वेजे प्योर वेजे स्नेहा, यू कैन हैव इट, प्योर वेजे, अंडा पिंडा सब कुछ उसमें करके। स्नेहा खाई, स्नेहा खाई, स्नेहा खाई, आ रही मैं, आ रही। केक मस्त है। बीदू सर, बीदू सर, बहुत ही अच्छा। दो यहाँ पर तीन क्या क्या, एक रूटी वाली, कौन से बंद है? हाँ वो भी नहीं पता। अक्टूबर 17 ये मार्च, ये मार्च लंगर ये मुंगो लोग बैठे हैं यहाँ पे। मैं तो गाइस, हम लोग जो है अभी नेचुरल आइसक्रीम्स में आए हैं और नेचुरल आइसक्रीम में हम लोग खाने वाले हैं अलग अलग टाइप के आइसक्रीम। तो मैं हमेशा टेंडर कोकोनट खाती हूँ, लेकिन आज मैं गोवा ट्राई करने वाली हूँ। आई डोंट नो गोवा कैसे बनने वाला है, कैसा आने वाला है। तो ओके, तू कौन सा मैंगो? हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है हमारे जो भी फ्रेंड बाकी है उनको कॉल करके बर्थडे गर्ल बुला रही है, और ना वो हंस रही है क्योंकि बोल रही है मुझे यूट्यूब पे मेड डेल आज, तो उसका ही बर्थडे का व्लॉग है, वो तो आएगी आएगी। तो ये रहा हमारा पुणे का नेचुरल आइसक्रीम्स। ओके चलो, टेंडर कोकोनट हमेशा का फ्लेवर। तो इस तरह से हमने हमारे हमारे फ्लेवर ले लिए हैं। तेरा अच्छा लग रहा है? इसका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं, मेरा अच्छा है, पर कामिनी का बहुत ही गंदी टेस्ट है। मेरा टेंडर कोकोनट मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो हम लोग खा लेते हैं, अभी सेकंड राउंड करना है कि नहीं वो बाद में सोचेंगे। सारे हम लोगों ने आइसक्रीम खा लिया है, वो अभी भर गए और अभी हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय टाटा, मकाई करो इसे। तो आज के स्कूल वाले व्लॉग के बाद, मतलब कि रुद्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद, मैं अभी घर पे पहुंच चुकी हूँ। तो आराध्या भी यहाँ पे व्लॉग कर रही है, देखिए यहाँ पे। आज ऋतुजा का बर्थडे था इसलिए उसने दाबेली दी है, तो मैं दाबेली लेके आई हूँ आई के लिए। अच्छा, आराध्य के लिए दाबेली लाई है। ओके, तो अभी वो खा रहा है, अभी 3:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं जो हूँ अभी जाऊँगी नहाने, फ्रेश हो जाती हूँ, फिर गाउन पहन लेती हूँ हमेशा की तरह। गर्मी में ना बाबा कपड़े भी नहीं लगता है ये करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे बादाम का डिब्बा वैसे का वैसा है। आराध्या जब भी बादाम खाता है ना, डिब्बा रखता ही नहीं है जगह पे, बुरी आदत। तो ये देखिए,
और और ये मैं आ गई यहाँ पे, हाँ दोरी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। आई जो है शायद पेड़ों को पानी डाल रही है, तो ये देखिए आई, खाना हो गया, आई खा लिया, तो मुँह से बात भी नहीं कर रही, ऐसे ऐसे कर रही है। तो चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, फिर बात करते हैं। तो अभी जो है कब से मैं बैठी थी लैपटॉप पे, यूट्यूब के चैनल का काम कर रही थी, डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करने का काम कर रही थी। एक डिस्क्रिप्शन मैंने टाइप करी, हाँ वैसे मुझे लग रहा है कि मेरा टाइपिंग जो है स्लो हो चुका है, तो एक डिस्क्रिप्शन मैंने टाइप करी थी। और अभी जो है नेट ही चला गया, तो कुछ अपडेट नहीं हो रहा है, सिम नहीं मिल पा रहा है। और अभी 6 बज चुके, मतलब 6:45 हो चुके हैं, और मैं स्कूल से आई तब से लेट तक नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि 10-15 मिनट लेट जाओ, थोड़ा आराम कर लो, और उसके बाद फिर ट्राई करती हूँ, अगर इंटरनेट आ जाता है तो। ये देखिए वहाँ पे वो जैसे घूम रहा है गोल 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 गोल, तो वो भी नहीं काम कर पाएंगे अभी, तो थोड़ा सा लेट जाती हूँ। फिर अगर कुछ काम है तो करती हूँ, आई कुछ बाहर जाना पड़े, बाहर चाहे गया मैं तो घर पर ही हूँ, तो मुझे खाना वाना बनाना पड़ेगा, से आजकल रोज शाम खाना नहीं बना रही, तो देखते क्या बना सकते हैं आज, तो बनाएंगे और फिर करेंगे थोड़ा सा, मैं भी आराम करी 10 मिनट उसके बाद। मेरे को सच में बहुत नींद आ रही है अभी, लेकिन अभी सो नहीं सकती क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं, आई चिल्लाएगी मेरे नाम से क्यों सो रही है इतनी शाम को। चलिए फ्रेंड्स, भी थोड़ा सा आराम कर लेंगे, उसके बाद तो फिर काम है।